हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विथ सेक्शन सी तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी और ए ऑलरेडी कवर हो चुका है अब हम लास्ट सेक्शन में विच इज सेक्शन सी ऑफ मैथमेटिक्स पेपर सो लेट्स स्टार्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चन तो यहाँ पे इट रॉस वेंट टू अ मैजिक शो विद हिज पेरेंट्स द मैजिशियन वॉन्टेड टू शो अ ट्रिक ऑफ कार्ड्स ही कॉल्ड रॉस एंड शोड हिम दैट द डेक इज डिवाइडेड इन टू फोर सूट्स ऑफ थर्टीन कार्ड्स ये तो हमें पता ही है कि हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो फोर सूट्स में बटे होते हैं दैट इज हार्ट डायमंड एंड क्लब्स एंड स्पेट्स तो ही देन शोड रॉस टू पिक अ कार्ड फॉर हिम ऑन द बेसिस ऑफ अबब इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वट इज द प्रॉबिबिलिटी दैट रॉस ड्रॉज अ रेड कार्ड तो रेड कार्ड इसमें कितने होते हैं हमारे थर्टीन का पेयर होता है ना हमारे चार दो पेयर ऐसे होते हैं जो हमारे रेड कलर के होते हैं तो टोटल कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं हमारे फिफ्टी टू तो ट्वेंटी टू इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट पार्ट ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू विच इज फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर सो इट सेज वॉट इज द प्रॉबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ कार्ड ड्रॉस ड्रॉस इज नॉट ब्लैक तो ब्लैक नहीं है तो बचा हुआ कितना हुआ हमारा रेड हुआ और रेड है इसका मतलब अभी हमने प्रॉबिलिटी निकाली थी रेड कार्ड की होने की तो इट वॉज ट्वेंटी सिक्स ओवर फिफ्टी टू सो येस फर्स्ट पार्ट अगेन इज द राइट आंसर नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस केस बेस्ड क्वेश्चन सो इट सेज वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट रॉस ड्रॉज अ रेड हार्ट कार्ट तो उन्होंने क्या बोला रेड और इन्फॉर्मेशन किया है हार्ट कार्ट तो हार्ट कितने हैं हमारा एक सूट है ना मतलब हमारे पास फोर सूट्स होते हैं उसमें से एक हार्ट होता है एक डायमंड होता है एक क्लब होता है एक स्पेड होता है तो अगर हार्ट की बात करी जा रही है सिर्फ और सिर्फ तो दैट मीन्स वी हैव टोटल कार्ड्स एज थर्टीन और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे प्रोबेबिलिटी कितनी है फिफ्टी टू तो थर्टीन ओवर फिफ्टी टू इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर विच इज़ फोर्टी फोर क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर

मतलब कि हार्ट भी नहीं होगा और क्लब वाला ऑप्शन भी हट गया तो हमारे पास बचा कौन सा पेयर एक तो स्पेड वाला बचा और स्पेड के पास कितने होते हैं टोटल कार्ड्स थर्टीन और डायमंड भी बचा है हमारे पास तो डायमंड के पास भी थर्टी नाइन टोटल और हमारे पास टोटल कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स कार्ड्स और ट्वेंटी सिक्स 52 फिफ्टी टू इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी वोट गेट हार्ट्स और नॉर क्लब So yes this is the answer for this case based question now moving to next question which is 46 question of this of this paper and a new case based question is there so yaha pe kya We have to conduct sport day activities in a rectangular shaped school ground a b c d lines have been drawn with chalk powder at a distance of one meter each hundred flower pots हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्राम ईच अदर अलॉन्ग ए बी एस चोन एन फिगर निष्टा रन वन बाय फोर्थ द डिस्टेंस ए बी ऑन द सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन पर कौन है निष्ठा है और उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दी है कि वो वन बाय फोर्थ उसने डिस्टेंस कवर किया है वन बाय फोर्थ का मतलब क्या हुआ हंड्रेड मीटर है इन टोटल ये पूरा ए से लेकर बी तक उन्होंने बोला है तो वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड विल बी ट्वेंटी फाइव मीटर और अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना होगा तो क्या बताओगे कोऑर्डिनेट कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे इट इज़ आर 2 तो टू कॉमा ट्वेंटी फाइव इज द आंसर फॉर दिस वन विच इज ऑप्शन ए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन सो इट्स इज वॉट इज द पोजिशन ऑफ रेड फ्लैग और रेड फ्लैग किसके पास है सुमन के पास है और वो कितना गई है वन बाय फिफ्थ 5th, मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी मीटर है उसने कवर किया और उसकी पोजिशन क्या है एक्स बी पार्ट विच इज फोर्टी एट क्वेश्चन वट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स तो अभी हमने ग्रीन की पोजिशन निकाली थी इट वॉज टू कॉमा ट्वेंटी फाइव और हमने रेड वाले की पोजीशन निकाली थी इट वाज एट कॉमा ट्वेंटी अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाएगा बिकॉज वी हैव कॉर्डिनेट्स एट माइनस टू का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर सो so आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी सिक्स स्क्वायर एंड माइनस फाइव स्क्वायर सो सिक्स स्क्वायर कितना हो गया थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा आपका इट विल बी थर्टी प्लस ट्वेंटी विच इज फिफ्टी एंड ये इट इज सिक्सटी वन रूट सिक्सटी वन इज द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर लेट्स डू इट इट इज वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ रेड फ्लैग फ्रॉम पॉइंट ए रेड फ्लैग का डिस्टेंस और पॉइंट ए तक का डिस्टेंस ए क्या है हमारा ओरिजिन है जीरो जीरो और हमारा रेड वाला क्या था इट वाज एट कॉमा ट्वेंटी तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है इसका मतलब हुआ तो एक्स टू x1s एट एक्स वन ज़ीरो प्लस ट्वेंटी माइनस ज़ीरो का स्क्वायर सो so आपको आंसर क्या मिल जाएगा एट स्क्वायर प्लस ट्वेंटी स्क्वायर सो एट स्क्वायर इज सिक्सटी फोर फॉर अस ट्वेंटी स्क्वायर इज इट इज़ फोर हंड्रेड तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा फोर सिक्सटी फोर और इसमें से आंसर देख के बताना सॉल्व करके बताना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इट इज़ इफ राखी हैज़ टू पोस्ट अ ब्ल्यू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन कर देते हैं और हमें पता है कि इस वाले की पोजिशन क्या थी इट वॉज टू कामा ट्वेंटी फाइव और रेड वाले की पोजिशन क्या थी एट कामा ट्वेंटी अब वो कह रहे हैं कि इसके सेंटर में लगाना है हमें उसके बीच में लगानी है वाली मतलब पोस्ट करना है फ्लैग तो बीच में लगाना है इसका मतलब क्या हुआ वी कैन यूज़ मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वाई निकालने के लिए तो एक्स क्या होता है हमारा मिड पॉइंट से एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू और वाई क्या होता है हमारा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी एक्स वन प्लस एक्स टू विच इज़ एट प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इट इज़ टेन डिवाइडेड बाई टू विच इज़ फाइव एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास वाई की भी निकाल लेते हैं सो यू हैव ट्वेंटी 25 डिवाइडेड बाय 2 सो यू गेट 45 डिवाइडेड बाय 2 और 45 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपके लिए 22.5 मीटर सो यस यू कैन सी दैट x की वैल्यू 5 आई है और y की वैल्यू 22.5 आई है तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आउट ऑफ दिस ऑल सो यस वी आर डन विद दिस complete paper i hope you liked it so please like share and subscribe to my channel if you liked it and will be coming with such more papers with for you and yes thank you for watching